हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो जो है तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। हम जा रहे हैं उबैद भाई के गोडाउन पे। आज उबैद भाई की पूरी डिटेल देंगे आपको, उबैद भाई का गोडाउन कहाँ पे है, उबैद भाई का नंबर टोटल। अभी हम चल रहे हैं ओल्ड आगरा रोड, ये फरहान हॉस्पिटल अभी देखा आपने पीछे गया। आगरा रोड से हम चालीसगांव रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे, नेशनल हाईवे के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, आपको कोशिश करूँगा शॉर्टकट में सब कुछ बताने की। और जो उबैद भाई का फार्म है, बर्ड फार्म, वहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने मिलने वाला है। और कुछ उबैद भाई ने उनके बर्ड सेल भी किए, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वो भी देखेंगे हम कि उबैद भाई ने कौन कौन से बर्ड सेल किए थे। ये देखिए, हम पहुँच गए मालेगांव। अब यहाँ से ख़त्म हो रहा है मेन नेशनल हाईवे, लग रहा है बाईपास। थैंक यू फॉर विजिट, आई लव मालेगांव। ये हम हाईवे की तरफ, सर्विस रोड से हाईवे पे अभी आगे जाके मिल जाएंगे दोस्तों। तो फिर से एक बार यही बोलना चाहूँगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि कुछ व्यापारी भी आने वाले हैं वहाँ पे हमारे फॉर्म पर विजिट करने के लिए। अभी उबैद भाई हम दोनों निकल गए। तो देखिए, अब ये ऊपर ऐसे मतलब ढलान से ऊपर चल रहे हैं हम, चालीसगांव फाटा, मालेगांव का जो रोड है, चालीसगांव फाटे के लिए जाता है। ये वो रोड है जो मालेगांव में रहते हैं उनको तो पता होगा, जो बाहर सिटी में रहते हैं, ये उनके लिए पूरी डिटेल बना रहा हूँ मैं। ये देखिए माशाल्लाह, अब नेशनल हाईवे पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये सीधा रोड दोस्तों, आपको ये रोड छोड़ना नहीं है। फाटे, चालीसगांव फाटे से पहले आगे आपको बताऊंगा कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ पे उबैद भाई का गोडाउन है, और उबैद भाई का नंबर भी आपको मिल जाएगा। आगे डिस्प्ले पे आपको डाल देंगे उबैद भाई का नंबर, और जो व्यापारी है क्या बाय करने वाले, क्या वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और उबैद भाई के गोडाउन की भी पूरी डिटेल देने वाले। क्योंकि काफ़ी टाइम से उबैद भाई के गोडाउन का एड्रेस और नंबर मांग रहे थे व्यूअर्स, काफ़ी सारे कमेंट है मेरे पास जो आपको बता भी नहीं सकता मैं, इतने सारे कमेंट है। तो दोस्तों, थोड़ी टाइम का ब्रेक लेकर हम यहाँ पे गुड़ वाली चाय पियेंगे, फिर आगे जाने के बाद जो है तो देखिए यहाँ पे गुड़ाची चाहा लस्सी, तो यहाँ चाय पियेंगे, उसके बाद जो है तो आपको आगे कंटिन्यू वीडियो कर कर बताते हैं। ये देखिए दसाने रोड, ये सर्विस रोड से लग गए दोस्तों मेन नेशनल हाईवे बाजू में। ये देखिए, ये सर्विस रोड से एक पहला टर्न जो है तो दसाने के लिए जाता है, लेकिन वो टर्न नहीं लेना है आपको। दूसरा टर्न देखिए, आगे जो एक बड़ा डंपर निकल रहा है, ट्रक बड़ा, उस साइड में हमको जाना है रोड पे। आप अगर मालेगांव से आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड में पड़ेंगे ये। ये देखिए लोनवाड़े रोड, लोनवाड़े यहाँ से 3 किलोमीटर है, और तकरीबन उबैद भाई का गोडाउन यहाँ से आधा किलोमीटर है। और अभी ये देखिए मेडिकल वगैरह, यहाँ से आपको टर्न लेना है। ये रोड का काम चालू है दोस्तों, यहाँ पर भी जो है तो पक्की रोड बन रही है, कॉन्क्रीट रोड, तो यहाँ पे काम चालू है अभी। और इसी रोड पे दोस्तों आगे पड़ता है तालुका पुलिस स्टेशन, मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन। आपको ये भी एक जो तो लैंडमार्क है यहाँ पे आने के लिए। ये देखिए पूरे मजदूर रोड का काम चालू है। आप कहीं पर भी जो है तो मिस नहीं होंगे, सीधा सीधा उबैद भाई के गोडाउन पे आप पहुँचेंगे। ये देखिए तालुका पुलिस स्टेशन, मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन, जिला नासिक। ये देखिए, अब यहाँ से जो है तो पुलिस स्टेशन से बिल्कुल करीबी में है उबैद भाई का गोडाउन, एक छोटा सा ब्रिज आएगा एकदम नॉर्मल सा। ये देखिए, ये एक ब्रिज, यहाँ पे एक होटल थी जो बंद हो चुकी है, उसको जाने दे। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा, उसके बाद एक शेतकरी का बंगलो है, बंगला है ये। बस इसके थोड़े ही आगे से आपको लेफ्ट साइड में टर्न लेना है, एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा आपको जो सीधे उबैद भाई के गोडाउन पे जाता है। और फ्रंट पे जो है तो रोड के फ्रंट पे दो खेत है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, उसके बाद उबैद भाई का गोडाउन है। ये रास्ता है देखिए, लेफ्ट साइड में कच्चा रास्ता ये जा रहा है सीधा उबैद भाई के गोडाउन पे, 2 मिनट का रास्ता है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उबैद भाई के गोडाउन पे। ये देखिए माशाल्लाह, पूरा गोडाउन उबैद भाई का ये है। और अभी आगे जो मेन वीडियो है हमारी, अब यहाँ से स्टार्ट होंगी, कौन आने वाला है, क्या देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों, अब बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और बहुत कुछ आपको देखने मिलने वाला है उबैद भाई के गोडाउन के बर्ड्स, और वो क्या सेल कर रहे हैं वो। तो
तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है शेख जाफर और आप लोग देख रहे हो साहिल एग्जॉटिक बर्ड। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पूरा रास्ता बताया, एड्रेस बताया उबैद भाई का, तो अब जो काम के लिए आए थे वो शूट करते हैं। यहाँ पे जो है तो आबिद भाई, आबिद व्यापारी, जिनकी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये भी बड़े व्यापारी है, होलसेल रिटेल दोनों के अंदर डील करते हैं। आज उबैद भाई की बजीज लेने के लिए आए। उबैद भाई जो है तो अपनी बजीज सेल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा बजीस हो गई थी उनके पास, मतलब ब्रीड होकर जो है तो बहुत माशाल्लाह रिजल्ट मिला। क्योंकि आप इन्वायरमेंट देख सकते हो यहाँ का, कितना माशाल्लाह इन्वायरमेंट है, और फीडिंग वगैरह टाइम टू टाइम जो है तो उबैद भाई करते हैं। हर चीज़ के जितने भी उनके पास बर्ड है, चिकन मुर्गी जितना भी, सब का जो केयर बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो अभी इनका सौदा चल रहा था, आबिद भाई का और उबैद भाई का, शायद हो गए। तो चलिए अभी देख लेते हैं कौन कौन सा बर्ड आबिद भाई ने खरीदा और उबैद भाई ने उनको सेल किया। तो चलिए जानते हैं उनसे। बाकी पहले आपको इधर का ये बता दूं, ब्रह्मा मुर्गी है उबैद भाई के पास, गौरान मुर्गी है, ये उधर गौरान मुर्गी का सेटअप है, ब्रह्मा मुर्गी, चीनी मुर्गी, सब कुछ है माशाल्लाह। और जो है तो बहुत बेहतरीन चल रहा है। और शायद मेरे घर से उबैद भाई अभी क्लीनिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या दे रहे हो आबिद भाई को आज? आबिद भाई को भाई ये बजट का पूरा सेटअप दे दिया। पूरा सेटअप दे, पूरा पूरा कंप्लीट। माशाल्लाह, क्यों हो भाई ऐसा, मतलब अचानक से बजट का पूरा सेटअप? क्वांटिटी ना उनकी ज्यादा हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। 10 पेड़ से स्टार्ट किए थे अपन शायद, है ना? माशाल्लाह, देखो भाई बजट जो है तो बहुत ज्यादा हो गई है। कितनी होगी तकरीबन उबैद भाई अभी? कुछ 180-200 के आसपास होगी। 180-200 के करीब हो चुकी है, अंदर चल के देखते हैं। तो सौदा हो गया उबैद भाई? हाँ, सौदा हो गया है। माशाल्लाह, देखो सब बैठी थी, अभी सब उड़ कर गई, पट्टे बड़े सब कुछ जो है तो देखो सब अंडी सेके हुए। तो पूरा दे दिया उबैद भाई के, कुछ रखेंगे? नहीं नहीं पूरा 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 पूरा। तो क्यों ऐसा, मतलब सेटअप खाली कर रहे हो? ये इनके लिए सेपरेट बाहर डबल साइज का केज बना रहा। अच्छा, मतलब नए से स्टार्ट कर रहे हो ना कॉलोनी? उसकी बाहर करूंगा बड़ी बड़ी कॉलोनी, और एक सेटअप बना रहे हैं। मतलब इसमें जगह कम पड़ जा रही। तो अभी तो ब्रीडिंग सेटअप, मतलब ब्रीडिंग सीजन चालू होने वाला था। हाँ, तो नए सिरे पे चालू करेंगे ना, पट्टे लाके भर देंगे। माशाल्लाह, देखो भाई ये पूरी कॉलोनी। तो चलो अभी आबिद भाई को बुला कर जो है तो पूरा बर्ड निकालते और देखते हैं कितना बर्ड आता है। आ जाओ आबिद भाई। तो फ्रेंड, आबिद भाई ने जो है तो पकड़ना शुरू कर दिए। माशाल्लाह देखो, हाँ बहुत, यहाँ पे केज उनके पहचान का हो चुका है आबिद भाई। माशाल्लाह, एक पकड़े आबिद भाई ने, पूरा सेटअप आबिद भाई को दे दिए। माशाल्लाह, गिनती करो। तीन हो गया, गिनती हो रही भाई? गिनती हो रही है क्या? हाँ हो रही है भाई। चार, माशाल्लाह बहुत स्पीड में पकड़ रहे आबिद भाई। देखो पहले मुर्गी पकड़ते थे आबिद भाई। माशाल्लाह, देखो भाई साइज और कंडीशन देख सकते हो उबैद भाई का जो है तो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्राइस के अंदर आबिद भाई ने लिए, क्योंकि बर्ड जो है तो वैसी कंडीशन में। और देखिए आप साइज देख सकते हो, माशाल्लाह। देखो बाकी सब इधर ऊपर बैठे हैं। चलो भाई को थोड़ा मैं भी हेल्प करता हूँ। माशाल्लाह, देखो पकड़ने के बाद कितने नग है उबैद भाई ने दिया आबिद भाई को, वो देख लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो, अभी जो है तो पूरा माल जो है तो उबैद भाई का निकाल चुके हैं बजीज का। आबिद भाई पूरा, हम लोग काफ़ी मेहनत के बाद जो है तो इतना हाथ में आए। कितने पीस आए उबैद भाई? ये 176 176 नग थे भाई। देखो माशाल्लाह, कितने 20 पेयर, 10 पेयर से शुरू करे थे 20 नग स्टार्ट किए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो अभी वापस से नया सेटअप करने वाले हैं ना? नया सेटअप बना के डबल साइज में, डबल साइज में। माशाल्लाह देखो, अभी और अच्छे से जो है तो ब्रीडिंग सीजन चालू होने से पहले उबैद भाई और अच्छे से सेटअप चालू करेंगे। तो ये जावा भी दे दिए क्या? ना वो तीन नग था, तीन नग था ये, मतलब दे दिए है ना। फोन में है क्या? हाँ, दो फोन में है और एक वाइट है। देखो भाई ये इतना, मतलब ये डबल है भाई, देख सकते हो। आप बोलेंगे इतना कम क्यों है, लेकिन ये देख सकते हो ऊपर कम है, नीचे के साइज में ज्यादा है माल। माशाल्लाह देखो भाई,
और बजीज की कलर और क्वालिटी देखो माशाल्लाह, साइज भी जो है तो इसके अंदर काफ़ी सारे पट्टे भी है और काफ़ी अडल्ट भी है, कलर भी देख सकते हो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। ये यहाँ पे इनका सौदा हो चुका है और अब आबिद भाई लेके जाएंगे। आबिद भाई व्यापारी है, बर्ड से रिलेटेड जितने भी बर्ड रहते हैं आबिद भाई खरीदते और बेचते हैं, होलसेल और रिटेल दोनों करते हैं ना आबिद भाई। हाँ भाई माशाल्लाह, देखो आबिद भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा और उबैद भाई का नंबर भी दे देंगे। तो अभी और कुछ है भाई माल सेल करने वाला उबैद भाई? अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है, बजीज था बस, है ना? बजीज था। तो आबिद भाई से जो है तो डील हो गई और उनको पूरा बजीज माल दे दिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीके के नई नई वीडियो बनाते रहते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपके नॉलेज में काफ़ी सारा जो है तो इजाफा हो सकता है। तो फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।